हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको आईटी सेक्टर की धाकड़ कंपनी बताऊंगा जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस ग्रुप की आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा दोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। ये कंपनी आने वाले समय में निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है, तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाएं। लॉन्ग टर्म में आपको ये इतना पैसा बना के देगा आप सोच भी नहीं सकते हो। डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अच्छा है इसका। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर फर्स्ट कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट अच्छे हैं, सर्विसेस अच्छे हैं, तभी जाके भाई वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो देखो भाई, नेट सेल टर्नओवर मार्च 18 में था वो 979.50 था मार्च 18 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 1339.30 चुका है। और किसी भी क्वार्टर में इसका नेट सेल नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। मार्च 18 में जो टोटल इनकम था वो 1051 था मार्च 18 में, और मार्च 19 में देख लो 1274 हो चुका है, और ये भी किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज बहुत ही अच्छे दिख रहा है और किसी भी क्वार्टर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। मार्च 18 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 151.50 था मार्च 18 में, और मार्च 19 में देख लो 227.50 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 151 से 227 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। मार्च 18 में जो एबिटा था वो 223 था मार्च 18 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 262.20 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। मार्च 18 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 148.40 था मार्च 18 में, और मार्च 19 में देख लो 185.10 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है, 148 से 185 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। मार्च 18 में जो पैट था वो 148.40 था मार्च 18 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 185.10 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिख रहा है। मैं जितनी तारीफ को फ्रेंड वो कम ही होगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख रहे थे भाई। तो देखो नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 2560.59 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 4712 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल्स है, 2560 से 4712 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 2585.62 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 4863.20 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज।
मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 404.30 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 864.40 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 404 से 864 हो चुका है भाई। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 429.34 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1015.60 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका एबिटा नहीं कम रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस वे देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर था वो 315.18 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 700.10 हो चुका है। तो देख सकते हो भाई बहुत से बड़े इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर है, 315 से 700 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 315.18 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 700.10 हो चुका है। तो भैया ये भी शानदार है रिपोर्टेड पैट भी। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 10.51 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 67.31 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है, 10 से 67 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म में आपको ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। एलएनटी ग्रुप की कंपनी है, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये जो कंपनी है भाई वो एलएनटी ग्रुप की कंपनी है, पहले भी मैं इस कंपनी पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, 1350 रुपए में बताना स्टार्ट किया था। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 1750 इसका प्राइस चल रहा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है भाई, डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही बढ़िया है इसका। तो आप लोग खरीद के रख लीजिए, 15 से 20 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड का स्टॉक होना ही चाहिए। एलएनटी इन्फोटेक में पैसा लगा सकते हो। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड को किस किस इंडस्ट्री से ऑर्डर मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भैया मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, प्लांट इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर। आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में देख सकते हो एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, रेल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक एंड ऑफ हाईवे व्हीकल्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्डिंग सॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल मशीनरी, लाइटिंग इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशल मशीन टूल्स, टेस्ट एंड मेजरमेंट। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो आईपीओ आया था वो सितंबर 2016 में आया था, 860 के प्राइस पे आया था। तो देखो ये कंपनी 1 ईयर में कितना रिटर्न बना के दिया है, तो देखो 1 ईयर में रिटर्न है वो 48.11% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है 12.44% रिटर्न है, ईयर टू डेट में देख लो भाई ईयर टू डेट रिटर्न है 2.10% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है 9.22% रिटर्न है, 1 मंथ में देख लो 1 मंथ में रिटर्न है -1.19% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है -0.89% रिटर्न है, 1 वीक में देख लो भाई 1 वीक में रिटर्न है 0.96% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है 0.51% रिटर्न है, 1 डे में देख लो 1 डे में रिटर्न है -1.53% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है -0.48% रिटर्न है। एलएनटी टेक्नोलॉजी का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, तो देखो भाई प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 78.88% होल्डिंग है, एफआईएस के पास जो होल्डिंग है एलएनटी टेक्नोलॉजी का वो 5.09% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है एलएनटी टेक्नोलॉजी में 4.4% होल्डिंग है, अदर डीए पर जो होल्डिंग है 0.03% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 11.6% होल्डिंग है। कोई भी शेयर एलएनटी टेक्नोलॉजी का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एलएनटी टेक्नोलॉजी का,
पी रेशियो है एलएनटी टेक्नोलॉजी का वो 23.74 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है एलएनटी टेक्नोलॉजी का वो 7.33 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड जो है एलएनटी टेक्नोलॉजी का 1.11% का है, आरओसी देख लो भाई बहुत ही बढ़िया है एलएनटी टेक्नोलॉजी का 45.81% का आरओसी लेटेस्ट है, आरओई देख लो भाई 30.88% का। तो भैया मुझे इसका डिविडेंड यील्ड आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहां पे देख सकते हो। वैल्यूएशन देख लो भाई एक्सपेंसिव बता रहा है, अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा एलएनटी टेक्नोलॉजी का वो 891 से 1206 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, आप लोग भाई खरीदना चाहते हो तो 1720 1730 के आसपास ये स्टॉक आता है तो पोजीशन बना सकते हो। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं तो देख लो भाई एक्सलेंट बता रहा है, सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 25.03% का है, एबिट ग्रोथ देख लो 24.49% का। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एबिट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आप लोग इस कंपनी में पोजीशन बनाइए, आपको ये वेल्थ क्रिएट करके देगा। एलएनटी टेक्नोलॉजी का 52 वीक हाई है वो 1852.50, 52 वीक लो है 1160.35। मार्केट कैप देख लो भाई अच्छा खासा मार्केट कैप है एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का 18,175.68 का मार्केट कैप है, तो भैया एक लार्ज कैप कंपनी है। पी जो है एलएनटी टेक्नोलॉजी का वो 25.96 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 20.27 का, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले एलएनटी टेक्नोलॉजी का पी थोड़ा सा हाई है। बुक वैल्यू जो है एलएनटी टेक्नोलॉजी का वो 230.87 का बुक वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर देख लो भाई बहुत ही बढ़िया इसका अर्निंग पर शेयर है 67.30 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 2 का है। तो भैया आप लोग एलएनटी टेक्नोलॉजी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, एलएनटी इंफोटेक को भी पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, माइंड ट्री को भी जगह दीजिए, टीसीएस को जगह दीजिए, इन्फोसिस को जगह दीजिए, क्वालिटी कंपनी भाई खरीदोगे तभी जाके आप पैसा बना सकते हो। और भैया जब क्वालिटी कंपनी में पैसा बन रहा है तो क्यों इधर उधर कंपनी में पैसा लगाने का है, क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाइए आपका पैसा भी सेफ रहता है। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, धन्यवाद।